आज हम एक क्लाइंबर की बात करेंगे जिसको हम हिंदी में गंध प्रसारणी के नाम से जानते हैं। वैसे तो गंध प्रसारणी के नाम से उत्तरी भारत से लेके दक्षिणी भारत तक कई पौधों को जाना जाता है, जिसमें से मेरियनम ट्राइडेंटाटा या लेप्टिडेनिया की कई स्पीशीज़ हैं जिनको अलग अलग हम गंध प्रसारणी के नाम से जानते हैं। लेकिन गंध प्रसारणी की अगर बात करें तो पेडेरिया फोइटिडा जो कि रूबिएसी का मेंबर है उसको हम जानेंगे। ये एक क्लाइंबर होता है और विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पंचांग इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेट की समस्याओं के लिए। कई बार ये देखा जाता है कि नाभि के आसपास नले फटने से नाभि बाहर आ जाती है, उसके उपचार के लिए इसका 10 से 12 ml जूस दिन में दो बार देना चाहिए। इसके साथ साथ इसका जो जड़ होता है, जड़ को हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और विभिन्न प्रकार के फंगल डिसीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ एडिक्शन, जो अल्कोहल का एडिक्शन होता है, यह बहुत कॉमन आजकल देखा गया है। शराब की जो लत है उससे बचने के लिए इसके दो पत्ते सब्जी में डाल देने चाहिए। कुछ दिनों बाद देखेंगे कि जो शराब पीने की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके साथ साथ यह पौधा और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्श के लिए अगर हम बात करें, अर्श के लिए इस पौधे की जड़ को निकाल के उसमें सिहुंड के दूध मिला के और टिकिया बना लें और सुखाने के बाद उसका जब हम फ्यूम्स लेते हैं तो धीरे धीरे अर्श की समस्या दूर हो जाती है। दांतों में दर्द से निवारण के लिए इसके फल को चबाना चाहिए। धीरे धीरे दांतों के दर्द का रोग का निवारण भी यह आसानी से कर देता है। अब इसकी अगर हम बात करें प्रोपेगेशन के लिए तो इसको प्रोपेगेशन बहुत आसान है। सिंपल, हमें इसका कटिंग लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कटिंग ले सकते हैं और रूट के माध्यम से भी इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। रूबिएसी का मेंबर है, इसके अंदर एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, बीटा सीटोसिटिरोल, इरिडोइड्स और विभिन्न प्रकार के अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। मलेरिया फीवर हो, चाहे पेट के इन्फेक्शन से फीवर हो, उन दोनों में भी इसके लीव्स का डिकॉक्शन दिया जा सकता है, यह सेफ है। अधिक मात्रा में देने से कई बार क्या होता है, जीका मचलाना या वॉमिटिंग आ जाती है, तो ओवरडोज से बचें यथासंभव। जैसे आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही सुंदर और इसके वाइटिश पर्पल फ्लावर आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर यह लगता है। इसके पत्ते में हल्की सी गंध होती है और उस गंध के कारण ही इसको गंध प्रसारणी कहा गया है। तो ये जो आज हमने पौधा कवर किया है, कल हम आपके सामने एक नए प्लांट के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को देखें और आवश्यकता अनुसार कहीं आपको कोई सलाह की आवश्यकता हो या फिर कोई आपका डाउट हो, शंका समाधान के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।